और ये देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पानी बहुत कम हो गया है धूप के चलते। ये देखिए पीछे का लेकिन सीनियरी देखिए कैसा है, पूरा चारों तरफ पहाड़, और जो फिल्मों में दिखता है ना दार्जिलिंग वगैरह में ऐसे करके ऐसे पहाड़, मैं पहली बार इतना करीब से देख रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग बर्ड्स। और आज आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा, परसों को हम लोग वो जो पीछे का रास्ता दिख रहा है ना उस तरफ से हम लोग राइट की ओर टर्न कर गए थे और हम लोग चेंगजोड़ा पहुंच गए थे। आज ये सीधा रास्ता है और यहाँ से हम लोग आज जाएंगे एक डैम, बुरुडी डैम, जो घाटशिला का इकलौता डैम है। मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, शायद लगता है लास्ट मैं आया था 2015 आई थिंक, 2015 या 16 ऐसे में। और ये अभी हम लोग, तो ये हम लोग की सवारी निकल गई, तो चलिए चलते हैं। रुकिए, यहाँ का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ है। गड़बड़ थोड़ा नहीं, बहुत है। इसका मतलब है 2 दशक पहले जैसा मैं था ना। कभी आई नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, अच्छे से देखते हुए चलो। मैं देखते हुए ही जा रही हूँ। मैं आपको रुके पीछे से दिखाता हूँ, मतलब बैक कैमरे से कि कैसा नजारा है। नजारा भी बहुत अच्छा है। दूल मिट्टी पॉल्यूशन, आराम से ये यहाँ का, अरे एक्चुअली क्षेत्र ही थोड़ा सा अजीब टाइप का है इसलिए इधर शांतिपूर्ण तरीके से हमें चलना है। और ये देखिए किस तरीके का नज़ारा है, बट वही है कि जो सड़क वगैरह है सारा का सारा वैसे ही है जैसा 2 दशक पहले हुआ करता था। एकदम ही खाली खाली वाला रास्ता है ये, रोड वाला है। मैंने अगर बारिश के टाइम पे कोई आए तो जाहिर सा है कि वो फंस जाएगा। तो हम लोग अब चलते ही जा रहे हैं, बस थोड़ा ही दूर है वैसे। ये देखिए एक बरगद का पेड़ है पीछे, बहुत पुराना है ये, इतना छायादार और कितना बड़ा है। यहाँ पे भी वैसे रोड साइड में कुछ कुछ पेड़ वगैरह है, लेकिन रास्ता तो एकदम मैंने ऐसा लग रहा है जैसे इधर भी बहुत जामुन पेड़ है, देखो। हाँ, इधर, अच्छा इधर भी जामुन के पेड़ बहुत है, इस साइड में जामुन पेड़ बहुत ज्यादा है। रोड साइड में ही जामुन का पेड़ है, जितना मर्जी है उतना आप तोड़िए। हम लोग अभी तो नहीं लेकिन आते वक्त जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा वरना। इस बापरे जामुन फला है रे, देख के लोभ लग जाता है। आम का भी पेड़, मतलब इधर आम भी बहुत अच्छे से हुआ होगा। ओ इधर घर भी है। और वो देखिए आपको दूर में जो पहाड़ दिख रहा है ना वो है बुरुडी का उधर से। ये घर उर है आसपास, और अच्छा आगे से इधर भी मतलब स्कूटी से लोग जाना आना करते हैं। ये हमें काफी अच्छा लगा ये जान के, बहुत खुशी हुई। हाँ कि हम लोग अकेले नहीं है। हाँ, हम एक सवारी नहीं है। हाँ, और ये देखिए ईंट भट्टा एकदम पास में, लगता है ये वही ईंट भट्टा है क्या जो उधर से दिखा था। हाँ सर, ये रहा ईंट भट्टा का टावर। अच्छा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जगह किस तरीके का है। ये देखिए ये जगह कुछ इस तरीके का है, देखिए ये रहा पेड़ एकदम ही पास पास में है, और वो रहा जहाँ हमें जाना है वही बुरुडी है। इधर से रास्ता होता तो चक से पहुँच जाते। हाँ लेकिन इधर से रास्ता नहीं है, इधर से चल के जाना पड़ेगा और चल के जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। ये देखिए इतना सा ही मतलब रोड है, बहुत पतला रोड है, अगर एक ट्रक आ जाएगा ना तो पूरा रोड भर जाएगा, फिर बाइक को भी जाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। वो देखिए वो जो दूर में पहाड़ दिख रहा है ना वही है बुरुडी, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए तालाब इधर का सूखा पड़ा हुआ है और बारिश आने का नाम, ये जो फिर से अभी धूप आ गया, अभी थोड़ा बादल किया था, बादल किया था लेकिन वापस धूप आया। वैसे यहाँ पे भी ये दूर में घर बना हुआ है व्हाइट वाला, इधर घर और कुछ नहीं था पहले, तो पीच रास्ता ही नहीं था, बाद में पीच रास्ता हुआ। और अभी तो ठेकेदार साहब का तो वही होता है ना। ये देखिए यहाँ पास में भी एक घर बना हुआ है, ये घर और कुछ नहीं था यहाँ पे, दूर दूर तक एकदम वही जो शुरू में आपने देखा वीडियो में, वो जो कच्चे मकाने का थे बस
वही ही पुराने घर हैं। ये तो सारे के सारे, ये तो दिख भी रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही बना है ये, और कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं हुआ है उसका एक हिस्सा। और बाप रे, इधर एक और घर है, इधर भी स्वरूप इसका भी बदला बदला सा है बिल्कुल। ये देखिए इमली पेड़ में कितना इमली फला हुआ है। और ये अब हम लोग आगे चले हुए जा रहे हैं, शायद और ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे लिखा है लिटिल स्टार प्ले स्कूल पूर्णा पानी। यहाँ इतने अंदर में भी एक स्कूल है, अच्छी बात है। लेकिन ये यहाँ के बच्चों को थोड़ी सहूलियत होगी। अरे बाप रे, तो पूरा गांव जैसा हो गया है एकदम, साइड साइड में है। अरे नहीं, पहले ये जो घर उर दिख रहा है ना, ऐसा इतना घर उर नहीं था इधर, ये तो मिट्टी का घर है। हाँ, लेकिन ये भी लगता है, हाँ ये एकाध घर होगा, इसको भी रेनोवेट किया गया है, क्योंकि इतना बढ़िया हालत में इधर घर उर नहीं था, छोटा छोटा था। धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है ना, ये सब बहुत पहले का घर होगा। हाँ, ये पुराना घर सब है, यही सब घर उर था। आराम आराम से देखते हुए, ये देखिए यहाँ से नजारा। अरे आराम से यार। तो ये देखिए, ये गांव हम लोग पार कर रहे हैं इधर, और यहाँ पे खेत जोतना हो गया है, बारिश आएगा तो यहाँ पे क्या धान बोया जाएगा शायद, पता नहीं, धान सब्जी कुछ तो बनाया गया है। हाँ, बोया जाएगा, मतलब कुछ उगाया जाएगा। और फिर से एक बम्पर, लेकिन रोड इधर का तो थोड़ा सा ठीक है, बट इससे पहले वाला जो रोड था, एक मिनट इधर किससे पूछना पड़ेगा, यही होगा बुरुडी इस तरफ, बुरुडी इसी तरफ, इधर रिसोर्ट इधर का है होगा वो। हाँ, वो भी बात सही है इधर, लेकिन बहुत सारा घर उर हो गया है, पहले इतना घर उर नहीं था इधर, एकदम ही खाली खाली जगह था। ये तो नया घर सब बना है, वो दिख रहा है नया नया है घर सब, कटहल में तो कटहल भी हो रही बड़ा बड़ा कटहल है इधर, इधर भी। अच्छा, यहाँ तक में भी इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐड दिया हुआ है, अच्छी बात है। ये अभी हम लोग एक पुल पार कर रहे हैं, और पुल पार कर गए, यहाँ पे किसी चीज़ की खेती करी गई है, ये किस तरह बैगन, अच्छा बैगन का खेती है। और ये देखो भुट्टा, अरे वाह, भुट्टे की खेती सूख गया है, भुट्टा खत्म, मैंने खराब हो गया, निकाल के अभी पेड़ सबको जलाने की जरूरत, कुछ कुछ होगा भी अंदर में, और तो है। अच्छा, मैंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ना क्या, शिफ्टिंग का है एक बार एक, ये देखिए इधर एक तालाब भी है, बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा लगता है ना इधर आके, जैसे वो जो फिर से पहले वाला इंडिया पे हम लोग पहुंच गए, वो 1947 वाला इंडिया है जैसे, बहुत बढ़िया सा नज़ारा है। इधर भी खेत खलियान है, इस तरफ में घर उर है इधर, और बीच में इस तरीके का रोड है। ये देखिए बैलगाड़ी भी है इधर, बहुत बढ़िया नज़ारा है। और ये पेड़ उड़ है, ये देखिए उधर दो लोग बैठे हुए हैं, नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग मंजिल के करीब हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो और कुछ ही टाइम के बाद शायद पहुंचने वाले हैं हम लोग, कुछ ही टाइम के बाद मतलब लगभग लगेगा जैसे 15-20 मिनट ऐसा, और 15-20 मिनट लगेगा, वहाँ 7 किलोमीटर लिखा हुआ था, वो तो 7 किलोमीटर लिखा हुआ था, वहाँ ये नहीं लिखा था ना कि रास्ता कैसा है। ये देखिए इधर तालाब है गाँव का, करीब आप अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इधर लोग बाग नहा रहे हैं, वरना ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। हाँ, ज़्यादा मैं कैमरा को उस तरफ में यूज नहीं कर सकता हूँ, वरना सही है, अनएथिकल प्लस इलीगल। इतना सुंदर लेकिन रोड है ना। हाँ, रोड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इधर अगर कोई चलाए तो फिर उसको बाकी कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगा, और अगर कमर में कुछ लचक है या ऐसा कुछ है तो और भी ज़्यादा तकलीफ। ये कौन सा है, राजकीय मध्य विद्यालय हीरागंज, ये लिखा है इधर पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। हाँ,
इधर भी एक स्कूल है। अच्छा यहाँ पे फिर दो मोड़ आगे बुरुडी कौन? अच्छा इधर इधर सीधा सीधा बुरुडी इस तरफ है जाने का रास्ता। और अच्छा इस तरफ में भी दो सरकार नहीं एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल इधर भी है। नहीं दो दो प्राइवेट स्कूल ना किस तरफ ये यहाँ पे हाँ। हम लोगों ने देखा अभी ये देखिए हाँ। ये तालाब है इस तरफ और ये रहा इधर एक घर है। ये देखिए जरा पीछे का नज़ारा कैसा है और आराम से बकरी बकरी नहीं मराना नहीं तो यहाँ से जाना संभव हो जाएगा। हमारा स्कूटी ये लोग गिर भी रख लेंगे पैदल जाना होगा दूर तक याद रखना पेट्रोल खत्म होगा तो यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। ये लोग बहुत ज़्यादा जो भी हो इमरजेंसी केसेस में अगर कॉस्ट है बहुत ज़्यादा तो ही कॉस्ट देता है बहुत कॉस्ट किस्ट। ये देखिए ये जगह बहुत ही सुंदर है यहाँ पे एकदम पूरा ग्रीनरी है और एकदम छायादार। ये देखिए जगह तो ये रहा फाइनली अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं बुरुडी के। ये रहा इस तरफ का नज़ारा देखिए जरा बस और थोड़ा ही देर है पहुंच जाएंगे हम लोग। ये पहाड़ वगैरह दिख रहा है यहाँ से एक चढ़ाई जैसा है आगे और बस इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। इस तरीके का है नज़ारा इधर का पूरा जंगल है तो इधर हाँ, पूरा जंगल होगा पूरा जंगल है यहाँ से राइट ले लेना है हाँ। इधर पता नहीं है क्यों गेट खुला हुआ है किस चीज़ के लिए इधर जाना ठीक नहीं इधर रास्ता भी नहीं इसी तरफ है वो डैम को जाने के लिए। अच्छा अच्छा सीढ़ी है लेफ्ट लेफ्ट चलो इसी के पीछे में डैम से गाड़ी आ रहा है लेफ्ट लेफ्ट इसी के पीछे में डैम है शायद ना वो जो बांध जो बना हुआ है उसी के पीछे है डैम। चले जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा जगह है। ये देखिए अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बुरुडी डैम। ये पासा डेरा लिखा हुआ है 3.80 किलोमीटर बुरुडी आगे लिखा हुआ था पीछे लिखा हुआ हाँ हाँ वही वही पीछे लिखा हुआ होटल क्या ये एक होटल है यहाँ पे क्या है आनंदिता प्लेस लेफ्ट 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 आराम से पानी तो डैम में बहुत कम है डैम का पानी एकदम से सूख गया है यही है डैम फिर भी है वो जो पेड़ सब दिख रहा है गाढ़ा हुआ यहाँ पे मुझे लगता है पिकनिक टाइम में बहुत लोग आता होगा ना हाँ बहुत भीड़ रहता है ये अभी लोग बस ठीक है जगहों को। ये अभी फाइनली हम लोग बुरुडी पहुँच गए हैं और इधर पूरा खाली खाली है सन्नाटा एकदम से लेकिन यहाँ पे पिकनिक के टाइम पे ना जैसे 25 दिसंबर हो गया या 1 जनवरी हो गया बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अभी कुछ टाइम के बाद हम लोग ये नीचे उतरेंगे थोड़ा सा डैम की ओर और देखेंगे वैसे डैम बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है इधर। वो जो चांडिल वाला डैम है ना वो हाँ। उसका एक तरफ से दूसरा छोर नहीं दिखता है इतना बड़ा है वो हाँ, और मैं देखी नहीं हूँ वहाँ पे भी कभी लेके चलूँगा। ये जो पेड़ सब ना ये जो खूटी जैसा है वो शायद पानी चेक करने के लिए ना कि कितना पानी है उसमें मे बी ये सब पता नहीं किस चीज़ के लिए। और आगे एक बोट डूबा हुआ है वो रहा ओहो वो जो इसमें दिसंबर जनवरी में पूरा साफ बहुत बहुत हाँ क्लीन हो जाता है यहाँ पे। अरे पानी जब मतलब रहता है ना तो पूरा यहाँ यहाँ तक रहता है पानी यहाँ यहाँ अभी तो एकदम से सूख गया और पानी साइड डालना अच्छा भी नहीं जाता। डैम प्राकृतिक है कि ऐसे ही बनाया ना 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 प्रकृति के गोद में है ऐसा बोलो वही बात है वही तो मैं बोल रही हूँ। चारों तरफ पहाड़ और बीच में डैम कितना सुंदर एक तो नजारा है। ये रहा देखिए बीच में एक बोट शायद कुछ काम का नहीं रहा इसीलिए इसको ऐसा करके डुबो दिया गया है या डूब गया होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। यहाँ यहाँ तक पानी रहता है जहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं ये तो पानी था इसमें बीच में सूख गया था। ये रहा देखिए नज़ारा चलो जरा सा पहाड़ की ओर चलें या क्या करें यहाँ पे फोटो खींचेंगे ना हाँ चलो ना
धूप तो है बोल के थोड़ा अजीब लग रहा है अभी, लेकिन अगर बादल किया हुआ रहता ना तो पीछे का नजारा और आगे का बहुत सुंदर है, लेकिन मजा आ जाता। मतलब यहाँ पे अगर कोई घर उर बना के अगर रहे ना वो कभी, मैंने ऐसे में तो देखिए यहाँ आबादी इतना ज्यादा नहीं होगा शायद, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो जैसे सुबह उठ के एक हरियाली ही हरियाली एकदम से, मैंने मजा आ जाएगा। और इस तरफ में आपने झाटी झरना का नाम सुना होगा, वो इधर वाले रोड से जाया जा सकता है। वो सुने होंगे। हाँ वो भी बात है, क्योंकि अगर आप घाटशिला के नहीं हो तो फिर आप कहाँ से सुनोगे। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस से, इधर ऊपर चढ़ेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से धीरे धीरे। ये देखिए लेकिन नज़ारा इतना अच्छा है ना कि धूप है लेकिन फिर भी जैसे यहाँ रुकने का मन कर रहा है। अरे हाँ ये देखिए अभी अचानक से धूप हटा है, बादल बादल किया है। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये वापस अब हम लोग जा रहे हैं। वैसे कोशिश करते हैं उस पहाड़ में थोड़ा उठने का, देखते हैं कैसे क्या। यहाँ पे अगर आपको कभी भी आना है ना तो आप ऐसे ही अगर पिकनिक बनाने के लिए तो आप 1 तारीख को 2 तारीख ये सब में आ सकते हैं। जनवरी हाँ मतलब पिकनिक के टाइम पे ना ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना खाली खाली, ये पूरा भर जाता है। और ऐसे में अगर आप ऑड टाइम में आते हो तो फिर ऐसे ही खाली खाली मिलता है। तो अभी ये मैं पहुंच चुका हूँ अपने स्कूटी के पास और हम लोग निकलेंगे यहाँ से अभी। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये इस तरफ में इस वाले पहाड़ में हम लोगों ने चढ़ने का सोचा था, लेकिन फिर वहाँ पे मतलब अब बहुत ज़्यादा है तो चढ़ने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उधर अभी चढ़ेंगे नहीं। लेकिन बाद में कभी ना कभी हम लोग ज़रूर आएंगे और उधर चढ़ेंगे भी। हाँ विंटर के टाइम पे या फिर कोई पिकनिक के टाइम पे, क्योंकि अभी ना मतलब एकदम ही खाली खाली सा है ये जगह, तो थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है, इसीलिए मतलब भीड़ भाड़ रहता है ना तो थोड़ा सही लगता है ना। तो बस अब यहाँ से हम लोग चल देंगे। धूप बिल्कुल से ऐसा हो रहा है ना जैसे मान लीजिए किसी ने रेगुलेटर फिट करके रखा है और कोई बढ़ा रहा है रेगुलेटर, कोई कमा रहा है तो ऐसा ही हो रहा है धूप अभी। लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है पीछे का। स्कूटी भी पूरा तप चुका है वैसे, और यहाँ भी हम लोगों ने शॉर्ट्स बनाया, बड़ा मज़ा आया। तो बहुत और जल्दी चैनल में आएगा। हाँ ये देखिए पीछे का, इसी पहाड़ में चढ़ने का सोचे थे लेकिन अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अप भी है और ऊपर से ना खाली खाली है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे फैमिली के साथ अगर आप आओ ना तो सही रहता है, अकेले आने में इधर ठीक नहीं लगता, मतलब सेफ नहीं है ऐसा फील होता है। और यहाँ पे लिखा है बुरुडी 1 किलोमीटर, मतलब इधर के लिए 1 किलोमीटर। तो ये डैम है बुरुडी, असल में वो जो गाँव है ना उस जगह का नाम है शायद। हाँ शायद नहीं वही है ना। हाँ वही यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम लोग चल दे रहे हैं चलते। तो अभी हम लोग डैम से बस थोड़े दूर पे आके रुके हैं यहाँ पे, यहाँ एक आध शॉर्ट्स हम लोग बनाएंगे और इसके बाद बस चल देंगे। तो इस व्लॉग में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक दूसरे वाले व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ।